हेलो फ्रेंड्स, क्लास 24 जून में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह रोजगार समाचार है जनवरी 2024 का फर्स्ट वीक का। 19 विभागों में सरकारी वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन, इसमें 10th, 12th एंड ग्रेजुएट वालों को मौका है। इस समय केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित वीकली बुलेटिन 19 से तैयार किया है। राज्यों में जो वैकेंसी है उसको भी इन्फॉर्मेशन दी गई। आपको मैं बता दूँ, इसमें साथ में बताऊँ, डिटेल में देखने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। और जिस वैकेंसी का डेटा भी बाकी है वो भी इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। जो लोग चैनल पर नए विजिट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को मार के, ताकि आपको लेटेस्ट जॉब का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सभी जॉब एक्टिव जॉब है और एवरी संडे को 6 PM पर यूट्यूब पर अपलोड किया जाता है। दोस्तों, मेरे तरफ से आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो पहली वैकेंसी निकल कर आ रही है, बिहार विधानसभा सचिवालय की तरफ से पोस्ट है। ऑफिस अटेंडेंट यानी कार्यालय परिचारी की टोटल पोस्ट 54 पोस्ट है। योगदर्श में 10th क्लास पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 40 इयर्स के बीच होना चाहिए। अप्लाई फीस रहेगा 400 रुपया जनरल ओबीसी WS के लिए और अदर स्टेट कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपया रहेगा। SC ST कैंडिडेट्स के लिए स्टार्ट डेट फॉर बने का 1/1/2024 से और लास्ट डेट 21/1/2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी रहेगा 18,000 रुपये से 56,900 रुपये, जो कि लेवल 1 के हिसाब से। जॉब लोकेशन बिहार में रहेगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट www.vidhansabha.bih.nic.in इस पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसमें देश भर की वह अप्लाई कर सकते हैं जो एलिजिबल हैं। अगली वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से पोस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड कंप्यूटर प्रोग्रामर की टोटल पोस्ट 985 पोस्ट है। योगदर्श में 10th 12th विथ मैथ एंड फिजिक्स मैंडेटरी सब्जेक्ट है और DO यानी ओ लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए या फिर आप बैचलर डिग्री है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 28 या फिर 30 ईयर्स है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई फीस रहेगा 400 रुपये फॉर ऑल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। स्टार्ट डेट है 7/1/2024 से और लास्ट डेट है 28/1/2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन उत्तर प्रदेश में रहेगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन है। ऑफिशियल वेबसाइट www.uppbp.up.in इस पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। उसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसमें देश भर की वो अप्लाई कर सकते हैं जो एलिजिबल हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से पोस्ट है। असिस्टेंट लाइनमैन की टोटल पोस्ट 2500 पोस्ट है। युक्ताश में मैट्रिकुलेशन एंड नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है। एज लिमिट 18 से 37 ईयर्स के बीच होना चाहिए। अप्लाई फीस रहेगा 944 रुपये जनरल ओबीसी WS के लिए और 590 रुपये रहेगा SC ST के लिए। लास्ट डेट अप्लाई करने का 15/1/2024। सैलरी रहेगा 25,500 रुपये से 81,100 रुपये, जो कि लेवल 3 के हिसाब से। जॉब लोकेशन पंजाब में रहेगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन है। ऑफिशियल वेबसाइट www.pspcl.in इस पर अगर वो अप्लाई कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसमें देश भर की वो अप्लाई कर सकते हैं जो एलिजिबल हैं। नेक्स्ट वैकेंसी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से पोस्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की टोटल पोस्ट 274 पोस्ट है। योगदर्श में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, MBBS, MD, MS या फिर PG मेडिकल डिग्री या फिर ग्रेजुएट इन लॉ, जो कि पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 21 से 30 ईयर्स के बीच होना चाहिए। अप्लाई फीस रहेगा 1,000 रुपये जनरल ओबीसी WS के लिए और 250 रुपये रहेगा SC ST कैंडिडेट्स के लिए। स्टार्ट डेट फॉर बने का 2/1/2024 से और लास्ट डेट है 22/1/2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी रहेगा 85,000 रुपये पर मंथ। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया रहेगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन है। ऑफिशियल वेबसाइट www.nationalinsurance.nic.com.in इस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और इसका नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जरूर चेक कर लेना। इसमें मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो एलिजिबल हैं। अगली वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशनल बोर्ड की तरफ से पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर SI, ASI, दरोगा, कॉन्फिडेंशियल क्लर्क, अकाउंटेंट की टोटल पोस्ट 921 पोस्ट है। योग्यता इसमें होना चाहिए ग्रेजुएट डिग्री। एज लिमिट 21 से 28 ईयर्स के बीच होना चाहिए। अप्लाई फीस रहेगा 400 रुपये फॉर ऑल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। स्टार्ट डेट बार होने का 7/1/2024 से और लास्ट डेट 28/1/2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी रहेगा 9,300 रुपये से 34,800 रुपये पर मंथ। जॉब लोकेशन उत्तर प्रदेश में रहेगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन। ऑफिशियल वेबसाइट www.uppbp.up.in इस पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसमें मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो एलिजिबल हैं। अगली वैकेंसी है दिल्ली सुपरिटेंडेंट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से पोस्ट है। सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर की टोटल पोस्ट 108 पोस्ट है। उसमें बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर या फिर BSc विथ बॉटनी एज ए सब्जेक्ट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 27 या 32 ईयर्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई फीस रहेगा 100 रुपये जनरल OBC WS के लिए और नील फॉर SC ST के लिए कोई भी चार्ज नहीं है। स्टार्ट डेट फॉर बने का 9/1/2024 से और लास्ट डेट 7/2/2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन दिल्ली में रहेगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन। ऑफिशियल वेबसाइट
डी ट्रिपल एस बी ऑनलाइन डॉट एन आई सी डॉट इन, इस पर अगर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें देश भर के युवा अप्लाई कर सकते हैं जो एलिजिबल हैं। अगली बन से उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से पोस्ट है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट रिसेप्शनिस्ट स्टेनोग्राफर एंड अदर्स की। टोटल पोस्ट 209 पोस्ट है। योग्यता इसमें होना चाहिए बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री या फिर डिप्लोमा, कोई भी इसमें डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 40 ईयर्स के बीच होना चाहिए। अप्लाई फीस रहेगा 2360 रुपया जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए और 1416 रुपया रहेगा एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। लास्ट डेट फॉर्म होने का 10/1/2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। जो ऑब्लिगेशन उत्तर प्रदेश में रहेगा अप्लाई मोड ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट www.upums.ac.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसमें देश भर के युवा अप्लाई कर सकते हैं जो एलिजिबल हैं। अगली बन से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर्स मेडिकल ऑफिसर्स असिस्टेंट लाइब्रेरियन एंड अदर्स की। टोटल पोस्ट 247 पोस्ट है। योग्यता में होना चाहिए बीएससी नर्सिंग या फिर एमबीबीएस डिग्री या फिर मास्टर डिग्री या फिर बीई बीटेक डिग्री वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन के हिसाब से। एज लिमिट पोस्ट वाइज है। अप्लाई फीस रहेगा 500 रुपया जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए और 0 रुपया रहेगा एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। लास्ट डेट अप्लाई करने का 22/1/2024 तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जो एप्लीकेशन वाराणसी उत्तर प्रदेश में रहेगा अप्लाई मोड ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट www.phu.ac.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसमें देश भर के युवा अप्लाई कर सकते हैं जो एलिजिबल हैं। अगले बन से जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से पोस्ट है स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर की। टोटल पोस्ट 35 पोस्ट है। योग्यता में होना चाहिए वेरियस पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन के हिसाब से। एज लिमिट 21 से 30 ईयर्स के बीच होना चाहिए। अप्लाई फीस रहेगा 1000 रुपये जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए और नील फॉर एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। कोई भी चार्ज नहीं है। लास्ट डेट है 12/1/2024 से लेगा 52,925 रुपये पर मंथ। जो एप्लीकेशन ऑल ओवर इंडिया में रहेगा अप्लाई मोड ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट www.gicre.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसमें देश भर के युवा अप्लाई कर सकते हैं जो एलिजिबल है। अगले में से इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी की तरफ से पोस्ट असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ग्रेड 2 या फिर टेक की। टोटल पोस्ट 226 पोस्ट है। योग्यता में बी बी टेक या फिर मास्टर डिग्री वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 27 ईयर्स के बीच होना चाहिए। अप्लाई फीस रहेगा 200 रुपये जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए और 100 रुपये रहेगा एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। लास्ट डेट फॉर्म होने का 12/1/2024 से लेगा 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये पर मंथ जो कि लेवल 7 के हिसाब से। जो एप्लीकेशन ऑल इंडिया में रहेगा अप्लाई मोड ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट www.mha.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसमें देश भर की वो अप्लाई कर सकते हैं जो एलिजिबल हैं। अगले में से छत्तीसगढ़ पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से पोस्ट कांस्टेबल जीडी ट्रेड और ड्राइवर की। टोटल पोस्ट 5,967 पोस्ट है। युक्ता में 10th 12th पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 28 ईयर्स के बीच होना चाहिए। अप्लाई फीस रहेगा 200 रुपये जनरल ओबीसी के लिए और 125 रुपये रहेगा एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। स्टार्ट फॉर्म होने का 1/1/2024 से और लास्ट डेट 15/2/2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी रहेगा 19,500 रुपये से 62,000 रुपये जो कि लेवल 4 मैट पे मैट्रिक के हिसाब से। जो एप्लीकेशन छत्तीसगढ़ में रहेगा अप्लाई मोड ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट www.cgpolice.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसमें देश भर की वो अप्लाई कर सकते हैं जो एलिजिबल हैं। अगले बन से असम राइफल्स की तरफ से पोस्ट राइफलमैन वारंट ऑफिसर्स की। टोटल पोस्ट 44 पोस्ट है। युक्ताश में होना चाहिए 10th 12th के साथ ITI। एज लिमिट 18 से 23 या फिर 25 ईयर्स वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई फीस रहेगा नील फॉर ऑल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। लास्ट डेट है 28/1/2024 से ले रहेगा। वेरियस ट्रेड वाइज जॉब लोकेशन ऑल इंडिया में रहेगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन है ऑफलाइन है। ऑफिशियल वेबसाइट www.asamrifles.gov.in इस पर अगर आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं तो इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसमें देश भर के युवा अप्लाई कर सकते हैं जो एलिजिबल हैं। अगले में से सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी की तरफ से पोस्ट है वेरियस पोस्ट। टोटल पोस्ट 69 पोस्ट है। युक्ता में होना चाहिए 10th 12th ITI या फिर डिप्लोमा या फिर बीएससी डिग्री है तो अभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट होना चाहिए पोस्ट वाइज है। अप्लाई फीस रहेगा 100 रुपया जनरल ओबीसी के लिए और नील फॉर एससी एसटी के लिए कोई भी चार्ज नहीं है। लास्ट डेट 20/1/2024 से ले रहेगा। वेरियस पोस्ट वाइज जो एप्लीकेशन ऑल इंडिया में रहेगा अप्लाई मोड ऑनलाइन है। ऑफिशियल वेबसाइट www.ccmb.rec.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसमें देश भर की वो अप्लाई कर सकते हैं जो एलिजिबल है। नेक्स्ट वन से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से पोस्ट नेशनल डिफेंस अकेडमी नवल अकेडमी एग्जाम 2023
टोटल पोस्ट 400 पोस्ट है, 1 दशम होना चाहिए, 12th क्लास पास विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट के रूप में। एज लिमिट बोर्न आपका जन्म होना चाहिए 2 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2008 के बीच में है तो आप एलिजिबल हैं। अप्लाई फीस रहेगा 100 रुपया जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए और नील फॉर एससी एसटी के लिए कोई भी चार्ज नहीं है। लास्ट डेट फायर मनी का 9/1/2024। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया का अप्लाई मोड ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट www.upsc.up.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसमें देश भर के वो अप्लाई कर सकते हैं जो एलिजिबल हैं। अगली वैकेंसी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से पोस्ट है सफाई कर्मचारी कम सब स्टाफ की। टोटल पोस्ट 484 पोस्ट है, 10th पास रीड राइट एंड स्पीक इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट में आना चाहिए। एज लिमिट 18 से 26 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। अप्लाई फीस रहेगा 850 रुपया जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए और 175 रुपया रहेगा एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। लास्ट डेट फॉर्म आने का 9/1/2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन ऑल इंडिया में रहेगा अप्लाई मोड ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट www.centralbankofindia.com.in पर जाकर वो अप्लाई कर सकते हैं। उसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसमें देश भर के वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है झारखंड पुलिस की तरफ से पोस्ट कांस्टेबल की। टोटल पोस्ट 4919 पोस्ट है, 10th पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 25 ईयर्स के बीच होना चाहिए। अप्लाई फीस रहेगा 100 रुपया जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए और 50 रुपया रहेगा एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। लास्ट डेट फॉर्म का 14/2/2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी रहेगा 21,700 रुपये से 69,100 रुपये जो कि लेवल 3rd के हिसाब से। जॉब लोकेशन झारखंड में रहेगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट www.jssc.nic.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसमें देश भर की वो अप्लाई कर सकते हैं जो एलिजिबल हैं। अगली वैकेंसी है वेस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से पोस्ट अप्रेंटिस की। टोटल पोस्ट 3015 पोस्ट है, 10th 12th ITI इशू है NCVT या फिर SCVT से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 15 से 24 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। अप्लाई फीस रहेगा 136 रुपये जनरल ओबीसी के लिए और 36 रुपये रहेगा SC ST कैंडिडेट्स के लिए। लास्ट डेट फॉर्म ने कहा 14/1/2024। सैलरी रहेगा वेरियस पोस्ट वाइज। जॉब लोकेशन जबलपुर में रहेगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट www.wcr.indiarailway.gov.in इस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं और इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसमें देश भर की वो अप्लाई कर सकते हैं जो एलिजिबल हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है राजस्थान इनकम टैक्स की तरफ से पोस्ट है MTS स्टेनो इनकम इंस्पेक्टर टैक्स असिस्टेंट। टोटल पोस्ट 55 पोस्ट है, 10th 12th या फिर बैचलर डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 30 ईयर्स के बीच होना चाहिए। अप्लाई फीस रहेगा नील फॉर ऑल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। लास्ट डेट फॉर्म रहेगा 16/1/2024। सैलरी रहेगा वेरियस स्टेट वाइज। जॉब लोकेशन राजस्थान में रहेगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन है। ऑफिशियल वेबसाइट www.incometaxrajasthan.gov.in इस पर जाकर वो अप्लाई कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसमें देश भर की वो अप्लाई कर सकते हैं जो एलिजिबल हैं। अगली वैकेंसी है रेलवे RRC NR दिल्ली की तरफ से पोस्ट है अप्रेंटिस की। टोटल पोस्ट 3093 पोस्ट है, 10th 12th के साथ ITI भी होना अनिवार्य है। एज लिमिट 15 से 24 ईयर्स के बीच होना चाहिए। अप्लाई फीस रहेगा 100 रुपये जनरल ओबीसी के लिए और नील फॉर SC ST के लिए कोई भी चार्ज नहीं है। लास्ट डेट है 11/1/2024। सैलरी रहेगा वेरियस पोस्ट वाइज। जॉब लोकेशन दिल्ली में रहेगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट www.rrcnr.org इस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसमें देश भर की वो अप्लाई कर सकते हैं जो एलिजिबल हैं। तो वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को मार रखें ताकि आपको लेटेस्ट जॉब का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।